कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर में बैठे हुए मजे ले रहे होंगे और आराम से मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस में 1000 के आसपास व्यूज चले गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही हमेशा अपना प्यार बनाए रखेंगे और ऐसे ही आप अपने भाई को और इस चैनल को दिल से प्यार करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से रूबरू कराऊंगा गुड़िया गोरखपुरिया से। जो लोग गुड़िया गोरखपुरिया को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देख लेना, आज आप लोग जान जाओगे, क्योंकि अश्लीलता की जो ना वो इन्हीं की यहाँ से निकलती है। तो वीडियो करते हैं शुरू और आप एंजॉय कीजिए मेरे साथ इस वीडियो को। पहले तो इस सस्ता नशा करने वाले सुनील शेट्टी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड है और वो है ऐ तू। और दूसरा जो मेरे पास है ना वो है इनकी घरवाली के लिए, भैया इतना ज्यादा इनको पेट दिखाने का शौक है, भैया इनके लिए कोई पेटीकोट सिलवा दो और वो पेटीकोट भी ऐसा पेटीकोट होना चाहिए जो है ना बिल्कुल यहाँ सिर पे जाके बंधे, की जो इलास्टिक होते ना वो सिर पे जाके बननी चाहिए ताकि इनका मुंह पेट और मतलब कुछ भी ना दिख पाए, मतलब छोटे छोटे बालकों को बिगाड़ने के पीछे पड़े हुए भैया। अब जब ऐसी ऐसी अश्लीलता वाली वीडियो सोशल मीडिया पर डालेंगे तो छोटे छोटे बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा? और बच्चों को छोड़ो भैया, ये जो अधेड़ उम्र के बुड्ढे घूम रहे हैं इनका क्या होगा? बॉलीवुड देश में नंगा नाच दिखाया करता था और अब इन लोगों ने शुरू कर दिया है, ऐसे क्रिएटर्स का तो चैनल बैन हो जाना चाहिए। भगवान भगवान जी, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। आप लोग सोचते हैं ना किस चीज का इंसाफ है, लड़की शादी की है मुझसे पर बात किसी और से करती है, मतलब शादी इससे करी है और बात किसी और से करती है, बहुत ही बढ़िया गेम चल रहा है भैया। और यार एक बात बताओ, जब तुम्हें पहले से ही शक था कि ये लड़की ऐसी है तुमने इससे शादी क्यों करी है? मैं यहाँ पे भाई किसी लड़की के ऊपर कोई इंजाम नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ मैं वही बोल रहा हूँ भाई जो इसका पति देव पति परमेश्वर बोले तो जग का पति उसके बारे में जो बोल रहा है सिर्फ वही बोल रहा हूँ मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्या आपको पता है इनके फैन किस हद तक जा सकते हैं? भाई साहब मैंने जब इनकी एक वीडियो पिछली अभी बनाई थी ना, उस वीडियो को देखने के बाद एक लोंडे का मेरे पास कमेंट आया, मतलब मैंने वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया और उल्टा मुझे ही गाली दे रहा है और बोल रहा है कि उनकी मर्जी है भाई, वो कुछ भी करे वो पैसा कमा रहे हैं। क्या पैसा कमाने का ये तरीका बिल्कुल सही तरीका है? अगर आपको लगता है हाँ तो भाई कमेंट में कमेंट कर देना, अगली वीडियो में इस पे कभी नहीं बनाऊंगा। खैर चलते हैं अपने अगली वीडियो की तरफ, देखते हैं इनकी नई नौटंकी। हमारे YouTube फैमिली हमारे वीडियो देखने वाले हैं, मैं आप सभी से सच्चे दिल से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग सब कुछ करना, माँ बाप का सेवा करना, मगर ऐसी लड़की का साथ कभी मत पकड़ना, नहीं तो रोना पड़ेगा, कसम से रोना पड़ेगा पूरा। ना 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 ना, अब तो तुमने साथ फेरे लिए है, जिंदगी भर उसका साथ देना, छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत कर जाना, नहीं तो तुम्हें वीडियो बना बना के वो महज ही मार देगी, तुम पे 10 इंजाम और डाल देगी। तुम भी बेटा कौन सा कम हो, तुमने भी अपनी घरवाली के साथ अश्लीलता की सारी हदें पार कर रखी है। वैसे कई लोगों को इस टाइम पे वो देखने में भी पूरा मजा आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए? लेकिन वैसे उन बुड्ढों के लिए सही है जिनकी घरवाली उनसे बात करना पसंद नहीं करती है। और जो लोग स्वर्ग और नरक दोनों जगह सिधारने वाले हैं उनके लिए तो ये दोनों जड़ी बूटी का काम कर जाते हैं भाई। दोस्तों हम लोग पहुंच आए हैं वहां पर जहां पर हमारा वीडियो शूट होने वाला है और ये देख सकते हैं हमारे मतलब बैकग्राउंड वाले डांस सीख रहे हैं और कर भी रहे हैं। गुड़िया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितने दूर से आ रही हो? अबे भैया ये कोनो लोकेशन पे पहुंच गई और ये पीछे कौन से लोंडे नचा रहे हो? नहीं 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 नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल नहीं है कि तुम शादी में गए थे और लास्ट में जब वहाँ पे कुछ नहीं बचा तो तुम लोग जाके वहाँ अपनी वीडियो शूट करने लग गए कि मुझे शादी का स्टेज लग रहा है। ऐसे क्या लग रहा है आपको? जब वहाँ पे ये अपना शूट करने गए थे तो वहाँ पे काफी सारे लोग भी होंगे और उन लोगों के बीच में इनका शूट भी होना होगा, तुम सोच रहे होंगे यार ये कौन से गाने का शूट होने वाला है, तो मैं दिखाता हूँ आपको भाई, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, कोई मर थोड़ी गया है यार। वैसे ये सच में कोई गाना ही बना रहे हैं, कोई गंदी मूवी यार, मुझे नहीं पता यार, तू देख ले यार ये क्या करने वाले हैं। ठीक है भाई, क्यों गुस्सा हो रहा है, देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं इनका अगला गाना कि कौन से इन्होंने झंडे गाड़े हैं। वैसे वीडियो देखने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। अच्छा इतनी दूर लोकेशन पे ये करने पहुंचे हैं लोग, भगवान उठा ले मुझे यार, कैसे कैसे लोग है यार, इधर का किडनी निकाल लिया। ये लोग नहीं सुधरेंगे तो भाई ऐसा ही हो जाएगा इन लोगों के साथ, इनको काली नदी बता के इनको नाले में कुदा दिया जाएगा। ऐसे यार आपको एक बात बताऊं, सच में बता दूं, इन लोगों की ना हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि ये कजा भी जाते हैं वही अपनी वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं, वही रील बनानी शुरू कर देते हैं। दूसरी बात भैया, मुझे तो ये लग रहा है जब ये शौचालय में शौच करने जाते होंगे तो वहां बैठ के भी अपनी ये रील वील बना लेते होंगे, और कोई कोई दिन जा रहा है भाई सब देख लेना वो भी सोशल मीडिया पे पब्लिश कर देंगे, फिर बोलना मजा आ रहा है कि सुबह सुबह ये टट्टियां देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं आगे की ओर, ये आइटम गर्ल और इसका पति 24 घंटे
रोमांस से प्रफुल्लित रहते हैं। ऐसा तो तुमने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी इनकी, इसमें ये रोमांस करते हुए पकड़े गए हैं। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना भाई साहब, आप देख के अपने दांतों तले उंगलियां दबा लोगे, क्योंकि भैया इन्होंने मंदिर भी नहीं छोड़ा है। मंदिर में ऐसा रोमांस करने लग रहे हैं जैसे साला कोई ओयो में जा रहा हो। दिलबर आपको हो खबर है ये किसका आचर है, चैन को गया है। ऐसी सिचुएशंस में पता है क्या होता है, सिर्फ दो ही चीज होती है, तो इनके दिमाग में कमी है या पैदाइश इनके अंदर दिमाग ही नहीं है। मंदिर के अंदर रोमांस चल रहा है भैया, गजब का इनका तो सिस्टम चल रहा है भाई। इनकी इस हिम्मत के लिए तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, और वो भी पैर से। बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ, इनकी नई नई नौटंकी देखने के लिए। अपना पर्सनल सिचुएशंस होती है भाई, सबकी अपनी पर्सनल राय होती है, सबकी अपनी पर्सनल बुद्धि होती है, मतलब सबका अपना अपना दिमाग होता है, वो किस तरीके से उसका यूज करता है वो जाना। हम इसके ऊपर कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करेंगे, हमें सिर्फ वीडियो देखनी है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना है, चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर देना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पति देव आज मेकअप कर रहे हैं, मेकअप में कैसा लग रहे हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। मैं बताता हूँ ये कैसा लग रहा है, ये एकदम गधे की टट्टी लग रहा है, मेकअप लोंडिया का यूज कर रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई बहुत बढ़िया। साड़ी पहन के नत्र कला और करनी शुरू कर दे, बजा तो मेरे भाई जब भी आएगा। अबे ये क्या है, इतना नीचे तुम गिरोगे ये भी नहीं सोचा था भाई, मतलब चुम्बे चल रहे हैं इनके बिल्कुल, मतलब खुले आम। अबे सच में तेरी पत्नी है या गाली मत निकलवाओ मेरे मुंह से, कौन तुम्हारे अंदर सेंस वेंस बचा है नहीं बचा है, सब कुछ पेच का खा गए हो। मेरे भाई इनके माँ बाप नहीं है क्या घर में देखने के लिए, भाई बहन नहीं है कोई नहीं है, रिश्तेदार में कोई भी नहीं इनको रोक टोक सके। अबे क्या करते हैं भाई साहब, इन्होंने तो मेरी खोपड़ी हिला के रख दी। No comments. क्योंकि अगर मैंने कुछ कमेंट किया तो इसके चाहने वाले फिर से मुझे गाली देने लग जाएंगे, इससे अच्छा है कि सिर्फ अपने मुंह पे उंगली रख लो और सब कुछ जो हो रहा है देखते रहो। वैसे मजा तो खूब आ रहा होगा बेटा तुम लोगों को भी, आज देखने के लिए तुमको बहुत कुछ मिल गया है। बस यार आज की वीडियो में इतना ही भाई लोगों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो यार वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, और भाई कोई इनके गुड़िया गोरखपुर चैनल पे जाके कोई इनको मैसेज भी करा करो यार, कोई ढंग की वीडियो बना लिया करो। ठीक है सबको अपना सोशल मीडिया पे काम करना है, सब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये नग करके पैसे कमाओ, क्योंकि यार काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे है एक्टिव रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिसमें, वो भी वीडियोस देखते हैं, उन लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा क्या नहीं ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।